एवरीवन, वेलकम टू आई फाइन, दिस इज शिवानी सक्सेना, होप यू आर वेरी वेल। सो गाइस, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 2, और चैप्टर नंबर 2 का नाम है क्या हमारे आसपास के जो पदार्थ हैं क्या वो शुद्ध होते हैं। आपको पता है कि क्या वो शुद्ध होते हैं या नहीं होते हैं, शुद्ध होते हैं या अशुद्ध होते हैं, तो इसके बारे में बहुत ही डिटेल्स में आज के चैप्टर के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। इसीलिए आपको वीडियो को एंड तक देखना है। अगर कुछ भी नहीं समझ आता है ना, तो आप उसे तुरंत कमेंट बॉक्स में क्लियर कर सकते हैं। सो आपको पता है कि यहाँ पे वर्ड आया पदार्थ, मतलब यहाँ पे पूरे चैप्टर में किसके बारे में बात हो रही है कि जो पदार्थ हैं वो क्या हैं। ठीक है, पहले पदार्थ तो जान लेते हैं कि पदार्थ होते क्या हैं। हमारे आसपास पाई जाने वाली कोई भी ऐसी वस्तु जो स्थान को घेरती है, जिसका द्रव्यमान होता है, उसे हम लोग पदार्थ बोलते हैं। ओके, पदार्थ। अब पदार्थ को भी जैसे 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, पदार्थ के जैसे भौतिक गुण और रासायनिक पदार्थ के आधारों पर। ठीक है, ये यहाँ पे आपको समझ लेना है। अब भौतिक गुणों के बारे में हमने जाना था फर्स्ट चैप्टर में कि ठोस, द्रव और गैस, ठीक है, 3 अवस्थाओं के बारे में जाना था। अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं रासायनिक पदार्थों के आधार पे। तो रासायनिक पदार्थ, जस्ट मिनट, मैं आपको राइट करके बताती हूँ। अगर हम यहाँ पे बात करेंगे पदार्थों के बारे में लेके, तो पदार्थों को भी कितने पार्टों में डिवाइड करा गया है, यहाँ पे आपका इसको भी शुद्ध और अशुद्ध 2 पार्ट में डिवाइड करा गया है। अब जो शुद्ध वाला पार्ट होता है, पहले आप इसे यहाँ पे डिटेल्स में समझने की कोशिश करें। ये क्या हुआ आपका, ये आपका हो गया कि जो शुद्ध वाले जो आपके पदार्थ हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो शुद्ध हो गया आपका तत्व हो गया, ठीक है, और आपका हो गया यौगिक। क्या हो गया? यौगिक हो गया। अब तत्व को भी आपके 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तत्व होता है आपका धातु, अधातु और उपधातु। और जो अशुद्ध पदार्थ होते हैं, अशुद्ध पदार्थों को इसमें 2 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है, क्षमांगी और विषमांगी। इसको हम बहुत ही डिटेल्स में जानेंगे। पहले मैंने आपको ये थोड़ा इंट्रोडक्शन सा दे दिया है कि आप इसको समझ जाएंगे काफ़ी अच्छे से। अब हम जान लेते हैं यहाँ पे शुद्ध, क्योंकि रासायनिक पदार्थों को यहाँ पे 2 पार्ट में डिवाइड किया गया था, जैसे मैंने आपको बताया था शुद्ध और अशुद्ध। तो हमारा फर्स्ट पार्ट क्या था? शुद्ध। तो शुद्ध क्या होता है इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं? वे पदार्थ जो, अगर आपने देखा हो, जिनके जो सभी कण होते हैं ना, वो रासायनिक प्रकृति के आधार पर समान होते हैं। और शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं? वो एक ही कणों से मिलकर बने होते हैं, उसमें अन्यथा कोई कण नहीं मिलाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, पानी, लोहा, चीनी। ठीक है, चीनी हो गया आपका, मिथेन हो गया। तो आपको ये यहाँ पे काफ़ी इजीली इसको समझ लेना है। अब आता है आपका कि शुद्ध को भी, इसको हमने शुद्ध को कितने पार्ट में डिवाइड किया था? शुद्ध को क्या था? 2 पार्ट में डिवाइड। 2 पार्ट कौन कौन से थे आपके? एक तो था आपका तत्व और सेकंड था आपका यौगिक। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं तत्व के बारे में। तत्व, जिनको हम इंग्लिश में एलिमेंट बोलते हैं। तो पता है आपको कि जो तत्व होते हैं ना, तत्व पदार्थ का वह मूल रूप होते हैं, जिसे रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा अगर हम अन्य सरल पदार्थों में इसको विभाजित नहीं किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपसे बोला जाए हीलियम और लिथियम, सोडियम, हाइड्रोजन, ये आपके क्या है? तत्व है। आपने काफ़ी अच्छे से सुना होगा ना, आपने नंबर वाइज भी तत्व को पढ़ा होगा। तो ये आपके तत्व हो गया। आपको पता है कि अभी तक जैसे कि जो ज्ञात तत्वों की संख्या रही है वो टोटल 110 से भी अधिक है। इसमें से जो आपका 92 तत्व हैं वो प्राकृतिक हैं, और जिसमें कि इसमें जो भी आपके बचे हुए तत्व हैं वो मानव निर्मित हैं। इस बात को यहाँ पे आपको नोट कर लेना है। ठीक है, अगर कोई भी डाउट रहता है तो उसे तुरंत कमेंट बॉक्स में आप क्लियर कर सकते हैं। अब आपको यहाँ पे बात कर लेनी है किसके बारे में? तत्वों के प्रकार के बारे में। आखिर जो तत्व के प्रकार होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? तो आपको पता है कि जो तत्व के प्रकार हैं, मैंने आपको इस चैप्टर की स्टार्टिंग में ही बताया था, तत्व के प्रकार होते हैं धातु, अधातु और उपधातु। कौन कौन से होते हैं तत्व के प्रकार? धातु, अधातु और आपका थर्ड होता है उपधातु। क्या होता है? उपधातु। आप इसको कहीं नोट भी करके चल सकते हैं। तो आपको पता है कि जो धातु के जो भी सामान्य गुण होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट की जो धातु होती है ना आपकी, वो चमकीली होती है। क्या होती है? धातु चमकीली होती है। और धातु तन्य भी होती है। आप लोगों ने पढ़ा होगा लास्ट के क्लासेस में कि
आई मीन टू से कि आपने नाइन्थ की क्लासेस पढ़ी होंगी और साइंस तो नॉर्मली होती है, तो जैसे आपने पढ़ा होगा कि तन्यता, ठीक है, तन्यता का एक गुण पाया जाता है धातु में, तो जिसको कि वो धातु तन्य होती है। और क्या होता है, इसका थर्ड गुण है कि ये ताप और एक तरीके से विद्युत की सुचालक भी होती है। और ये क्या होती है, ये प्रतिध्वनि पूर्वक होती है, ध्वनि क्रिएट करती है। इन्हें अगर पीटा जाए ना, ये आघात वर्धनीय भी होती है, अगर इन्हें पीटा जाए तो ये बहुत फैलने लगती है। ये क्या होते हैं, ये धातु के कुछ सामान्य गुण होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर धातु के आपको बताया जाए, जैसे लोहा, चांदी और जो पारा होता है और गोल्ड हो गया, और जो सबसे हल्की जो धातु होती है वो आपकी होती है सोडियम। तो अगर कोई भी क्वेश्चन पुट अप करता है कि सबसे हल्की धातु कौन सी होती है, तो आपका आंसर होगा क्या होगा, सोडियम। ठीक, ये यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छे से समझ आया होगा। अब आपका आता है कि एक क्वेश्चन पुट अप किया जाता है, हाँ याद आया, तो एक क्वेश्चन जैसे पुट अप किया गया आपसे कि कौन सी ऐसी एकमात्र धातु है जो कमरे में भी तापमान का, जो कमरे के तापमान को एक तरीके से द्रव है, तो आपका कौन सा हो गया, वो हो गया मरकरी, मतलब पारा। ठीक है, ये यहाँ पे आपको समझ लेना है। अब आता है आपका कि ए धातुओं के सामान्य गुण क्या होते हैं। अभी तक तो हमने पढ़ा धातुओं के सामान्य गुण के बारे में, और अब हम यहाँ पे जानेंगे ए धातु के सामान्य गुण के बारे में। तो ए धातु के जो भी सामान्य गुण होते हैं, ये यहाँ पे आपको याद रख लेना है, इसका अपोजिट कर देना है कि वो जो धातु है वो सुचालक होती है विद्युत की, लेकिन ए धातु जो होती है वो कुचालक होती है। जो धातु होती हैं वो चमकीली होती हैं, लेकिन ऐ धातु जो होती हैं वो चमकीली बिल्कुल नहीं होती हैं, वो आघात वर्धनीय भी नहीं होती हैं धातु। ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पे एक बात ध्यान रख लेनी है, काफ़ी इम्पोर्टेंट बात है कि हीरा, ठीक है, हीरा एक ऐसी ऐ धातु है जिसमें चमक होती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल्स अगर आपको बताए जाए ऐ धातु के, तो हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, ये यहाँ पे आपको समझ लेना है। आपको पता है कि कौन सी धातु ऐसी है जो कमरे के तापमान में द्रव अवस्था में रहती है, तो वो ब्रोमीन। ओके, कौन सी होती है जो तापमान में एक तरीके से उसका द्रव में रहती है कमरे में, कौन सी होती है, वो ब्रोमीन होती है। ठीक, तो ये यहाँ पे आपको समझ लेना है। अब आपका क्वेश्चन पुटअप होता है उपधातु, क्योंकि हमने तत्व के आपको तीन प्रकार बताए थे, धातु, अधातु और उपधातु, जिसके बारे में हमने धातु के बारे में बात करी, ऐ धातु के सामान्य गुण के बारे में बात करी, और हम यहाँ पे बात करने वाले उपधातु के बारे में। तो क्वेश्चन पुटअप हुआ आपका कि जो उपधातु होती है वो क्या होती है। ठीक, तो अगर मैं आपको इसमें बताऊँ तो कुछ ऐसे तत्व होते हैं, मतलब धातु हो गया, जैसे कि ऐ धातु हो गया, तो उसके बीच गुणों को दर्शाते हैं, जिन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, उपधातु बोलते हैं। ये यहाँ पे आपको समझ लेना है। उसके बाद से मैंने आपको एक नाम और बताया था, यौगिक। ठीक है, कुछ मैंने आपको प्रकार बताए, उसमें मैंने आपको तत्व और यौगिक का नाम भी बताया था, शुद्ध। ठीक है, जो शुद्ध पदार्थ होते हैं उनको टू पार्ट में डिवाइड किया जाता है, तत्व और यौगिक में। तत्व के बारे में हमने काफ़ी अच्छे से बात की, तत्व के प्रकार के बारे में काफ़ी अच्छे से बात की। अब हम यहाँ पे बात करेंगे यौगिक के बारे में, आखिर यौगिक वर्ड क्या होता है, तो आप इसे काफ़ी अच्छे से समझने की कोशिश करें। यौगिक, तो यौगिक क्या होता है, आपको पता है कि अगर देखा जाए जो भी वर्ड होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो पदार्थ होते हैं, तो पदार्थ की जो भी चीज़ें होती हैं उनको कितने पार्टों में डिवाइड किया गया, कैसे किया गया, ये सारे चीज वर्ड यहाँ पे आपको याद रख लेने हैं। और कोई भी डाउट रहता है तो आप उसे कमेंट सेशन में पूछ सकते हैं। जो हमारा वर्ड है यौगिक, उसको हम लास्ट नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि काफ़ी टॉपिक मैं आपको यहाँ पर बता चुकी हूँ। तो आज के लिए इतना ही, एंड अगर आपको वीडियो पसंद आए ना, आप इसे लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि आप लोगों ने भी सुना होगा कि ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ता है। ओके, बाय बाय, सी यू लेटर।